हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल नेशनल टीवी एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हुआ करे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है कि हमको अगर पैसे जमा करना है बैंक में, कैश पैसे हैं उसको हमको जमा करना है और उस स्लिप को भरने को हम नहीं जानते हैं तो हम बहुत किसी और को रिक्वेस्ट करेंगे, भैया भर दीजिए। वो भी लोग बहुत इधर उधर करते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो आप इस वीडियो को देख करके आप आसानी से उस फॉर्म को भर सकते हैं, किस जगह पे क्या लिखना है, कहाँ डेट लिखना है, कहाँ पे कितने पैसे हैं, 100 के नोट कहाँ लिखना है, 500 के नोट है वहाँ उस जगह पे आपको क्या लिखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो को देख करके पता चल जाएगी और आप जो है आसानी से अपना पैसे को बैंक में जमा कर दे सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन जब पैसे लेके जाते हैं तो जो कैश काउंटर हैं, काउंटर के ऊपर जो बैठते हैं वो कहते हैं देखिए यहाँ ये लिख दीजिए, वहाँ ये लिखिए, तो हम बहुत परेशानी में आ जाते हैं। तो चलिए उस फॉर्म को हम प्रैक्टिकली कैसे कहाँ क्या भरना है उस चीज़ को हम आपके सामने, आपकी जो सारी दुविधा है कहाँ पे क्या लिखना है उस सारी दुविधा इस वीडियो को देख करके आप सीख जाएंगे। तो चलिए चलते हैं और उस फॉर्म को हम भर लेते हैं। तो हम आ गए हैं अब फॉर्म के ऊपर, यही फॉर्म है। तो देखिए इसमें दो पर्ची होती है, एक छोटी होती है और एक बड़ी होती है। तो पहले जो है हम छोटी पर्ची को भर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है शाखा, उसके बाद लिखा है दिनांक, उसके बाद आपका अकाउंट नंबर इसमें इस कॉलम में भरना होगा। तो चलिए इन तीनों चीज़ों को हम पहले भर लेते हैं। तो फ्रेंड हम जो है अपना शाखा, हमारा ब्रांच कहाँ है वो लिख चुके हैं, दिनांक लिख चुके हैं और अकाउंट नंबर है वो लिख चुके हैं। अब आपको नीचे पूछ रहा है कि आपका नाम क्या है, किस नाम से आपका अकाउंट है, उसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है, उसके बाद राशि पूछ रहा है और उसके बाद पूछ रहा है कि अपनी जो राशि जो पैसे हैं उसको शब्दों में लिखिए। तो इन तीनों चारों चीज़ों को पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद जो है कितना पैसा जमा कर रहे हैं वो चीज़ लिखेंगे और कितना पैसा उसको शब्दों में लिखेंगे। तो ये जो कुछ है हम अभी लिख ले रहे हैं। तो फ्रेंड हम अपना नाम लिख चुके हैं, हमारा जो मोबाइल नंबर है वो लिख चुके हैं, कितना पैसा हमको जमा करना है वो चीज़ लिख चुके हैं और कितना पैसा है उसको शब्दों में भी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे भी आप कितना पैसा है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए, फिर जो है टोटल कितना लिखा है वो भी यहाँ पे लिख दीजिए आपका टोटल कितना है, ठीक है। अब जो है आपकी छोटी पर्ची जो है तैयार हो चुकी है। अब आ जाएंगे हम बड़ी पर्ची के ऊपर, बड़ी पर्ची में भी ऐसे ही भरना होगा। तो चलिए बड़ी पर्ची को हम भर लेते हैं। तो फ्रेंड अब बड़ी पर्ची में जो है यहाँ पे आपका दिनांक है, यहाँ पे अपना दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे आपका ब्रांच जो है वो चीज़ लिखेंगे और इसमें आपका अकाउंट संख्या जो है उस चीज़ को लिखेंगे। तो चलिए इस चीज़ को जो है हम भर लेते हैं। तो फ्रेंड हम जो है कि अपना इस बड़ी पर्ची में दिनांक लिख चुके हैं, शाखा का नाम लिख चुके हैं और अपना अकाउंट नंबर भी लिख चुके हैं। अब हमको क्या लिखना है, जैसे सेम थिंग वहाँ लिखे थे, आपका नाम, मोबाइल नंबर और कितना पैसा है उसको शब्दों में लिखना है। तो ये तीनों चीज़ जो भी है हम भी इसको भर ले रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो है अपना अकाउंट नंबर, आपका मेरा नाम क्या है वो लिख चुके हैं, मोबाइल नंबर लिख चुके हैं और राशि जो भी है उसको हम शब्दों में लिख चुके हैं। अभी ये पूरी तरफ से फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है। यहाँ पे पूछ रहा है राशि लिखिए, तो हमको ये राशि जो है यहाँ पे दर्ज करनी होगी कि आपका कितना पैसा आप जमा कर रहे हैं, उसके बाद जो है कि आप नीचे भी जो है यहाँ भी वो राशि दर्ज कर देंगे। अभी भी ये फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बड़ी मिस्टेक अभी भी बाकी है। वो क्या है हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और उसमें मिस्टेक क्या है वो भी देख लेते हैं। अब हम 5000 रुपये तो लिख दिए हैं
अब हमारे पास मान लीजिए 500-500 के नोट हैं, तो उस चीज़ को हमको 500-500 के आपके पास कितने नोट हैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 नोट हमारे पास 500-500 के हैं, और जो है 100-100 के नोट हैं वो 10 हैं, तो यहाँ पे 10 लिखना होगा। उसके बाद जो है कि 50 का नोट 20-20 है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो है 20 का नोट कितना है, तो 50-20-20 का नोट है। तो ये सारी चीज़ों ऐसा बिल टू करेंगे, और जो है कि आप इसको, ये हो गया आपका 3000 रुपये, ठीक है, और 100-100 का है 10, तो 1000 रुपये हो गए। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपको वहाँ पे जो भी होंगे तो आपको कहेंगे कि भैया इसमें सही नहीं हुआ है, तो आपको फिर से फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ें पहले ही कंप्लीट कर लेनी होती है, और ये भी हो जाएगा आपका 1000, तो टोटल हो गया ना आपका 5000। टोटल जो है यहाँ पे 5000 रुपये ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे जमाकर्ता के हस्ताक्षर लिखा है, तो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर आपका जो भी है ऐसे आपका हस्ताक्षर कर देंगे, और पैसे और ये स्लिप दोनों कैश काउंटर पे दे देंगे। अगर आपका पैन नंबर है और 50000 रुपये से आप ज़्यादा जमा कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका पैन नंबर भी पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 50000 व अधिक नगद जमा के लिए आपको ये चीज़ पैन नंबर आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा आपको अगर 50000 से ज़्यादा जमा कर रहे हैं तो आप प्लीज़ आपका पैन कार्ड ज़रूर लेके जाएंगे, नहीं तो फिर से वहाँ से आपको पैन कार्ड के लिए भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, और हमारी इसी टाइप की वीडियो होगी इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर